Hey guys, welcome back to our channel. कि आपको मोमोज पसंद हैं और मोमोज देख के आपको लगता है कि यार खा ही लो, एक तो क्या जाता है. तो अगर आपको मोमोज पसंद है और आप घर पे बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिए. पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करिए. क्या आपको खाना अच्छा लगता है मोमोज कमेंट में बताइए, कितने पसंद है. यहाँ हमने ना जो भी आपको वेजीज पसंद है वो ले लीजिए. मैदा को अच्छे से गूंद कर रख दिया है हल्का सा, उसके ऊपर से ऑयल लगाकर, और ये है जो भी आपकी फेवरेट वेजीज हो वो ले लिए, उसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर ले या फिर बारीक बारीक नाइफ की हेल्प से काट लीजिए बस. और फिर करना ही क्या है, जो भी है वही खाओ पियो, जिंदगी में है ही क्या. और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक ज़रूर करिए, सुबह नाश्ते से पहले 30 मिनट और खाना खाने के बाद 30 मिनट शाम का. अगर आप ऐसे करते हैं तो आप फिट रहेंगे, हेल्थी रहेंगे. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो यकीन मानिए, अगर आपकी सांस फूलती है, बहुत दिक्कत होती है, आपका टमी बाहर है, तो आपकी सांस भी फूलना कम हो जाएगी और इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे. तो बस इन चीजों को फॉलो कीजिए, खाइए पीजिए, यार जिंदगी में है ही क्या. और मोमोज अगर पसंद है तो वो इस तरह से बनाकर खाएं. ये हमने सारी वेजीज काट ली, फ्रेश कटा हरा धनिया, हरी मिर्च ली, सोया सॉस ली यहाँ, और यहाँ डालना है हमें चाट मसाला पाउडर और उसके बाद काली मिर्च पाउडर, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे भुना जीरा पाउडर, रोस्ट किया हुआ जो जीरा पाउडर होता है ना वो. और एक चीज़ याद रखना है, जो सोया चंक्स है ना उसको अलग से ग्रेट कर लेना है बस. और यहाँ पिसा हुआ थोड़ा गरम मसाला डाल दिया, कुटा हुआ है ये हल्का, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं है. उसके बाद इसमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है. और जो सोया चंक्स है वो इसमें भी मिलाना नहीं है, नमक नहीं मिलाना है, वरना जो वेजीज है ना वो पानी छोड़ देंगी. और यहाँ हल्का सा हमने एक पैन में ऑयल लिया और छोटा छोटा लहसुन को काटा और ये डाल दिया सोया चंक्स जो ग्रेट कर लिया था हमने, एकदम बारीक बारीक है आप देख सकते हो. अच्छे से इसको बस 2 से 3 मिनट तक ऐसे चलाकर लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है. और बाद में यहाँ सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट. हमें वेजीज में नहीं डालना है पहले से, वो मैं बता चुकी हूँ. और यहाँ आप एक बार टेस्ट कर लें अच्छे से मिक्स करके, नमक अगर कम लग रहा है तो अब आप यहाँ ऐड कर सकते हो. इसका ठंडा होने का वेट कीजिए और जो आटा मैश करके आपने रखा हुआ था उसको फटाफट से एक दो मुक्की और हाथ मार के खैरियत पूछिए कि तुम ठीक हो भाई, बनने के लिए रेडी हो या नहीं हो. अगर नहीं तो उसको दबा दबा के ठीक कीजिए और फटाफट से बस एक पतीली में भर के पानी लीजिए. अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें बनाइए. यहाँ स्टीमर नहीं था, पतीली में पानी लिया, एक जाली वाला तशला लिया, अच्छे से ऑयल अप्लाई किया और अपना मन पसंदीदा शेप दीजिए मोमोज को. और अच्छे से उसको बस स्टीम कर लीजिए, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, और बस फटाफट खाइए. फ्राई करके खाना चाहते हो तो आप फ्राइड मोमोज भी खा सकते हो इसको बनाकर. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं. चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए. मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.